नगर निगम क्षेत्र में जल जमाव की स्थिति से निपटने के उद्देश्य से मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर की अध्यक्षता में एक बैठक आयुक्त कार्यालय में संपन्न हुई। बैठक में नगर आयुक्त अंजनी कुमार सिंह, जीडीए के सचिव राम सिंह गौतम सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में मंडलायुक्त ने बरसात के दिनों में महानगर में लगने वाले जल जमाव के क्षेत्रों की स्थिति से अवगत होते हुए उसके निराकरण के निर्देश दिए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने कहा, कौन सा नाला किधर जा रहा है, किधर से नदी मिल रहा है, कहाँ से उसमें हो रहा है, ये जो ये नाला बना रहा है अब, और ये आपके नालों में ये सब सीवेज वाला बढ़ गया है। हमारे पंप यहाँ इंस्टॉल तो ये परमानेंट परमानेंट नौ जगह होंगे मेन पॉइंट्स, और ये रेड वाले जो पॉइंट्स हैं अभी बताए तो वो स्विच गेट और वो पंप है, और बताएं कौन सा ज़्यादा फॉर्मेट है वहाँ भी पड़ता है, मतलब हमारी आवाज़ क्या है थोड़ी सी बोलती है, सबसे पहले हमारा आवाज़ पड़ता है लाहौर कहीं भर में पड़े वहाँ पानी ठीक थी जैसे पानी असर मिलता है इतना ज़्यादा नीचे टाइप का। नहीं, जल भराव का जैसा कि आपको पता है कि आज हमने बैठक भी, इसके बाद फिर हमने फील्ड के बाद इंस्पेक्शन के बाद बैठक भी की है, उस बैठक में हमने यही निर्देश दिया है कि इमीडिएटली तो हमारे जितने पंपिंग स्टेशन हैं वो बिल्कुल काम करें राउंड द क्लॉक, उसमें पर्सनल रहने चाहिए 1 जुलाई से, क्योंकि ऐसा ना हो कि कभी कोई पंप चलाने की आवश्यकता हो जाए, कभी कभी फ्लैश फ्लड भी हो जाती है और उसमें हमें कोई प्रॉब्लम आए। जीडीए को भी कहा गया है कि उनके जो मोबाइल पंप हैं इस और जो स्टैटिक पंप हैं वो भी सही रहें, हमारी जितनी भी ड्रेन है नगर निगम को निर्देश दिया गया है उनको साफ़ करें, और आपके माध्यम से जनता को भी हम आह्वान देना चाहेंगे और एक बार ज़रूर कहना चाहूँगा कि जितना भी प्लास्टिक का पदार्थ है उसको कम से कम नाले में ना डालें, उसको डालने से बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है, और एक ये छोटा सा कर्तव्य जो है सभी नागरिकों का है और ये ज़रूर किया जाना चाहिए। बाकी सभी कंसर्न विभागों को निर्देश दिया गया और उम्मीद है कि हम जल भराव की समस्या यदि होती है तो उसका हम सुचारू रूप से निपटारा कर पाएंगे।